अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक कमेंट और शेयर करें। दमन के स्वामी विवेकानंद सभागार में शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रशासक के सलाहकार एसएस यादव, शिक्षा सचिव पूजा जैन, दमन जिला पंचायत के प्रमुख सुरेश पटेल, दमन जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी पीएस जानी एवं भारी संख्या में दमन के सभी स्कूलों के शिक्षकों की उपस्थिति रही। इस मौके पर निवृत्त शिक्षकों को सम्मानित कर उनको स्मृति चिन्ह भेंट की गई। श्री शुक्र भाई एम कंडे बहुत संभाला है, सब मारते थे बेन ड्राइंग शिक्षक। हमारे यहाँ पे टीचिंग समाज सेवा है। जो भी हमारे टीचिंग ये शुरू हुई, जो आश्रम होते थे, गुरुकुल होते थे, कौन उनको तनख्वाह देता था? कोई नहीं देता था। वो अपने अंदर से भावना आती थी कि समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो वो पढ़ाना शुरू करते थे बच्चों को। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन तबका हमारे गुरुजन का ऐसा है जो अभी भी उसको समाज सेवा ही मानता है, और वही टीचर हैं जो समाज में चेंज ला सकते हैं, वही टीचर हैं जो इसको सेवा भाव से कर रहे हैं, वही टीचर बच्चों का भविष्य बनाते हैं। तो आज के दिन हम अपने गुरुजन को याद करते हैं, जैसे पहले प्रार्थना में बताया कितना हाई एस्टीम में, कितने हाई पेडेस्ट्रल पे टीचर्स को हमारे यहाँ शुरू से रखा गया है, भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, वो सब बच्चों ने इस प्रेयर में बताया। तो आज का दिन गुरुजन को अपनी सारी शुभकामनाएं देने का भी है, उनके प्रति आभार प्रकट करने का भी है, साथ साथ टीचर्स को भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कैसे हम वापस वो जो गोल्डन ईरा था पढ़ाने का, बच्चों को वापस वो समाज सेवा के रास्ते देश का निर्माण करने का था, उसको कैसे वापस उस ईरा में जा सकते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल इसको प्रोफेशन नहीं समझें। जो बच्चा आपके पास शुरू से आता है, ये सोचें कि कैसे ये एक छोटा सा पौधा है, इसको कैसे मैं एक फलदार वृक्ष बना सकता हूँ। और टीचर्स को बहुत खुशी होती है, जैसे किसान को होती है कि बीज बोया और फिर फल लगे या दाने जो अनाज लगा तो बहुत खुश होता है कि क्या बढ़िया फसल है। वैसे ही टीचर भी बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा है, मैंने पढ़ाया था, देखो यहाँ चला गया। तो आपको इतना ज्यादा जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो किसी प्रोफेशन में नहीं मिलता है। जो समाज में चेंज होता है वो टीचर शुरुआत करता है, क्रांति होती है तो टीचर शुरुआत करता है। तो वो देश एक नया भारत बनाने का जो नया आंदोलन शुरू हुआ है, उसमें भी आपकी भागीदारी के बिना पूरा नहीं होगा। आप सबको वापस मैं आह्वान करता हूं कि नया दमन बनाने में आप सब साथ दें, हमारे दमन दीव के बच्चों की जिंदगी बनाने में हम सबका साथ दें। हम सब मिलकर आज इस टीचर्स डे पे राधा कृष्णन जी को साक्षी मान के ये प्रण ले कि हम एक समाज सेवा की भावना से काम करेंगे, एक एक बच्चे को कैसे उसको उसकी एस्पिरेशंस जो हैं, उसकी क्या चाहता है, उसको हम कैसे मदद कर सकते हैं, उसके लिए काम करें और एक नया दमन दीव बनाने के लिए काम करें, एक नया भारत बनाने के लिए काम करें। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे सभी टीचर्स को हमने इनवाइट किया है गवर्नमेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल से, तो जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनको ऑनर किया है, और प्लस हमारे जो टीचर्स जिन्होंने लास्ट ईयर कोचिंग दी थी जिसकी वजह से हमारे 10th और 12th के अच्छे रिजल्ट आए, उनको भी हमने एक टोकन ऑफ फेलिसिटेशन इन द फॉर्म ऑफ सरस्वती माता का एक फोटो दे के उनको भी फेलिसिटेट किया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक कमेंट और शेयर करें। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता, होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना, आदत है मेरी। गिरा, गिरा, गिरा। अच्छी आदत है।
चल चल जल्दी कर, 5 मिनट का तो काम है यार। एक बार हेलमेट नहीं पहने तो क्या आफत आ जाएगी? अगर आ गई तो आदत है यार। आदत आदत। देखा, बोला था ना, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अब मैं रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना, अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया, मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत।